नमस्ते। प्रातः काल के इस पुनित वेला में इतनी तेज धूप सच में जहाँ है वहाँ दोपहर ही होने को है। तो आप जान रहे होंगे ये धान का खेत है, बहुत सुंदर खेत है और इस सुंदरता में धान भी यहाँ बहुत सुंदर है एक रूप। और यहाँ फसल के बीच में न धान में कोई रोग है न धान में कोई घास है, सच में उन्नत खेती, समृद्ध खेती। मैं आशा करता हूँ हमारे देश में इससे भी सुंदर धान हो। तो धान का खेत है पर यह मेरे देश में नहीं, यानी मैं कहीं दूर हूँ कोरिया में। इस कोरिया में धान की खेती कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात जो है यहाँ जहाँ हम हैं बिल्कुल घनघोर जंगल है और जहाँ धान की ऊंचाई है आप देख सकते हैं उसके अतिरिक्त एक भी पेड़ इन्होंने नहीं काटा है। कैसे जंगल को बचाते हुए, जंगल वृक्ष की रक्षा करते हुए उन्नत खेती को की जाती है, यह एक उसका उदाहरण है। और मजेदार बात यह है यह सुनसान जंगल, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं जंगल ही हमारे हिस्से में है या हमको भाता है, तो हम सुदूर शहरों से दूर जंगली क्षेत्र में हैं। और दूसरी बात जो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ये देखिए आप, ये समुद्र, ये विशाल समुद्र, समुद्र के बीच में कल से हमारे यहाँ पर बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो इस समुद्र के किनारे पर इसी धानों के खेत के बीच में और यह जंगल का आनंद लेते हुए हम भरपूर आनंद लेने का प्रयास करेंगे। देखिए दुनिया में जहाँ भी रहें भोजन जरूरी है, तो भोजन के लिए अन्न उपजाना जरूरी है। तो यहाँ इतनी समृद्धि होने के बाद में भी किसान के लिए सरकार बहुत मदद करती है और किसान लोग उन्नत खेती के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो देश में भी सरकार का प्रयास और बेहतर हो तो शायद हमारा किसान उन्नत हो, समृद्धशाली हो, तो यह लहलाती हुई खेती और भी लहलाने लगे, यह जरूरी है। तो यहाँ पर हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, यह हम और बताएंगे। तो सच बात यह है कि इस धान को देख करके, इस फसल को देख करके हमें ऐसा लगने लगा यह तो अपना ही खेत खलिहान जैसा। इसीलिए हमने कहा कि सुबह यहाँ तो अभी बज चुके हैं, हमारे पास 8, 9, 10 यहाँ पर 10:30, 11 बजने को हैं। तो प्रातः काल का जो है यह धूप है यहाँ पर और बहुत सुंदर है, सच मानिए। इधर यह समुद्र है और यह खेत है और हम उस जंगल में हैं। धन्यवाद।